देखो अर्ज, तुम बीवी हो कमाल हसन की, उसकी दौलत पर तुम्हारा हक बनता है। 20-25 करोड़ उसके लिए कोई मसला नहीं है, हक मेहर तुम्हारा हक है, और मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई बुराई भी। अगर दानियाल, मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। सर लेकिन हक मेहर तुम्हारा हक है। वकील साहब आप साइन करो। साइन हियर प्लीज। कम ऑन सर, साइन इट। वकील साहब बिजी हैं, साइन। की कॉल आ रही है, बाद में अटेंड कर लेना पहले साइन। वो कोई इमरजेंसी हो सकती है, कॉल नहीं करती है वो मुझे वरना। एक मिनट प्लीज। हेलो, क्या पप्पो? मैं अभी आ रही हूँ। वो कमाल और फरियाल, मुझे जाना होगा। सर ये साइन तो, सॉरी वकील साहब, मुझे जाना होगा। वकील साहब फिर आ जाएंगे इंशाल्लाह। श्योर। क्या हुआ पप्पू? तुम्हारे जाने के बाद कमाल ने फरियाल को बहुत डांटा कि वो ये सब कुछ गलत कर रही है, बल्कि उसने यहां तक कहा साफ लफ्जों में कि वो मेरे और इरसा के दरमियान ना आए। अच्छा, फिर? फिर पता ही क्या हुआ, वो उस वक्त तो खामोश हो गई, अपने कमरे में चली गई, लेकिन थोड़ी देर के बाद आई तो कोई और ही फरियाल थी वो। फोन भी नहीं उठा रही है। शमशेर तेज चला ले यार। जा कर रही है ये। निकालो आगे, आगे निकालो, ओवरटेक करो और आगे से रोको गाड़ी से। गाड़ी रोको। फरियाल प्लीज। सुन ही नहीं रही है, ऊपर से जाके रोको यार इसको। पता नहीं और क्या क्या देखना रह गया है जिंदगी में। इरसा, मेरा बच्चा, तुम कमाल को माफ कर देना, सारा कसूर फरियाल का है, कमाल सिर्फ तुम्हें ही चाहता है। क्यों रोके मुझे? हाँ,
क्यों रोका है? क्या कर रही हो फरियाल? लोग देख रहे हैं। तो देखने दो, मुझे किसी की परवाह नहीं है अब। अच्छा सुनो, घर चलो, घर चल के बात करते हैं। मुझे कहीं नहीं जाना, बस मेरे रास्ते से हट जाए, मर जाने दो मुझे। मैं झूठे इल्जाम के साथ जिंदा नहीं रहना चाहती। फरियाल होश में आओ, तुम क्या बातें कर रही हो? तुम्हें बुरी लगी है ना मेरी बात? मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, आई एम सॉरी। चलो उठो, बाहर आओ, मेरे साथ चलो, आओ। फरियाल प्लीज, अब घर चले ना, प्लीज लेट्स गो, कम ऑन। प्लीज आइए। चलें प्लीज, अब चल भी रहे, कम ऑन। आइए मैं आपको लिटा देती हूँ। नहीं नहीं, मैं यहाँ बैठूँ। तुम भी बैठो यहाँ। मुझे कुछ बात करनी है। कहीं है? मेरे साहब, I'm sorry। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? मैं जानता हूं पोपो ने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, लेकिन हकीकत यही है कि जितनी गलती फरियाल की है उतनी मेरी भी है। जब वो हम दोनों के दरमियान आने की कोशिश कर रही थी, मुझे रोकना चाहिए था उससे और नहीं रोक पाया मैं। साथ में डिनर्स किए, शॉपिंग पे गए, घंटों बैठ के बातें की, मैं सिर्फ एक दोस्त की तरह उसे डील कर रहा था, नहीं जानता कि कब हाथ पार हो गए। इसलिए माफी मांग रहा हूं तुमसे, आइंदा ऐसा नहीं होगा। अगर मैं आपकी जगह होती और अपनी किसी ऐसी ही गलती का इतराफ करती तो आप क्या करते? पता नहीं, लेकिन ये जरूर जानता हूं कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुम माफ कर दोगे मुझे। प्लीज, आइंदा नहीं होगा। My acting. अच्छी थी, मगर मेरा गोल तो पूरा नहीं हुआ और जब तक वो यहां पर है मुझे सुकून नहीं आएगा। दो हफ्ते हैं आपके पास, अगर दो हफ्ते में आपने ये काम नहीं किया तो मैं किसी और को ले आऊं। अंडरस्टूड? गुड।
हैप्पी बर्थडे हर्ष। थैंक यू। यू लुकिंग लाइक अ डॉग। थैंक यू। कैसा लगा था मुझसे मिलकर? आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं है जैसे मैंने सोचा था। फिर? I don't know how to say it, but थोड़े बहुत हैंडसम हैं आप, you know? जब हम पहली दफा बाहर मिले थे तो तुमने मुझे यहाँ का रास्ता बताया था। जगह मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी और मैंने सुना है कि फ्रेंडशिप अगर किसी से करनी हो तो उनके और अपने कॉमन इंटरेस्ट तलाश करने चाहिए। हाँ, बट एज फार एज आई रिमेम्बर तुम्हें अकेले रेस्टोरेंट्स में आना अच्छा नहीं लगता, राइट? या जब तुम हमारी फ्रेंडशिप के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो सकते हो तो मैं इतना तो कर ही सकती हूँ, राइट? तुम्हारे कोई रिश्तेदार जो तुम्हारे रिश्ते की बात करने आए है ना? आप लोग हैं ना? क्या आप लोग मेरे रिश्तेदार नहीं बनेंगे? तुमने तो लाजवाब ही कर दिया। पापा से मेरे बारे में बात हुई? हाँ, पापा से बात की थी। Really? और वो मिलना भी चाह रहे हैं तुमसे। हाँ तो आइजल तुम ले आओ ना उन्हें किसी दिन भी मेरे घर। मुझे बता दो रिहान कहाँ है, मैं खुद जाकर उसको लेकर आऊंगी। प्लीज बता दो। रो लें, गिड़गिड़ा लें, पांव पकड़ लें बेशक, लेकिन ये थोड़ी बताऊंगी कि रिहान कहाँ है। हाँ, मेरा मुतालबा मान लें तो फिर बता सकते। और वैसे भी अगर रिहान से इतनी मोहब्बत है आपको तो अपने शौहर को राजी कर लेना मुझसे शादी करने के लिए। तुम बीवी हो कमाल हसन की, उसकी दौलत पर तुम्हारा हक बनता है। 20-25 करोड़ उसके लिए कोई मसला नहीं, हक मेहर तुम्हारा हक है और मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई बुराई भी। अगर दानियाल मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं सर, लेकिन हक मेहर तुम्हारा हक है। वकील साहब आप साइन करो। Sign here, please. तुम्हारे जाने के बाद कमाल ने फरियाल को बहुत डांटा कि वो ये सब कुछ गलत कर रही है, बल्कि उसने यहां तक कहा साफ लफ्जों में कि वो मेरे और इरसा के दरमियान ना आए। साहब, I'm sorry. मैं जानता हूं पप्पू ने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, लेकिन हकीकत यही है कि जितनी गलती फरियाल की है उतनी मेरी भी है।
जब वो हम दोनों के दरमियान आने की कोशिश कर रही थी, मुझे रोकना चाहिए था उसे और नहीं रोक पाया मैं। मैं सिर्फ एक दोस्त की तरह उसे डील कर रहा था, नहीं जानता कि कब हाथ पार होगा। अगर मैं आपकी जगह होती और अपनी किसी ऐसी ही गलती का इतराफ करती तो आप क्या करते? पता नहीं, लेकिन ये जरूर जानता हूं कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुम माफ कर दोगे मुझे। प्लीज, आइंदा नहीं होगा। दानियाल, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब आ गए हो तो बैठो। किससे दूर भाग रही हो? मुझसे? मैं किसी से नहीं भाग रही। फिर? कंफ्यूज हूं, फैसला नहीं कर पा रही। पर यकीन नहीं है तुम्हें? कि यकीन है तुम पर, खुद पर नहीं है। मैं बस पछताना नहीं चाहती। क्या लगता तुम, मैं तुम्हें पछताने दूंगा? मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। और इसके बाद तुम्हारा फैसला क्या होगा? मैं नहीं जानती कि मेरा फैसला क्या होगा। या तो मैं मान जाऊंगी या तो नहीं। मैं इंतजार करूंगा। Thank you.
सकीना जल्दी कबाब रख के दे रहा जी बाजी। अच्छा डोंगे तो लेकर आओ। सालन तो तैयार है, अच्छी अच्छी आ रही है, शक्ल भी अच्छी, वो बिरयानी दम काफी अच्छा है। अभी थोड़ी देर और दम पे रखो। सकीना मीठा किधर रखा है? वो बाजी मैंने फ्रिज में रख दिया था। वो तो मैंने दोपहर को ही रखवा दिया था फ्रिज में। आप ये डिशेस मुझे लाके दो। प्लेट्स रख दी? प्लेट्स कहाँ हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। गले मिलो भाई, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। अस्सलाम वालेकुम जी। जीत रहो बेटा, घर ढूंढने में प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मेन रोड पर था घर। अस्सलाम वालेकुम। अरे इरसा आओ आओ, माय वाइफ इरसा। अस्सलाम वालेकुम जी। आओ, खड़े क्यों हो तुम लोग? चलो आओ अंदर आओ। इरसा, इरसा बेटे आओ अंदर। इरसा आओ बैठो। कल इनकी तबीयत ठीक है? हाँ वाकई मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ इरसा? इज एवरीथिंग ओके? हाँ हाँ, आई थिंक सुबह से काम कर रही है इरसा, तो शायद इस वजह से। मे बी। असल में सुबह से खाना बना रही थी, थक गई होगी बेचारी। एनीवे बताओ तो फिर कैसे मुलाकात हुई तुम्हारी और आयशा? अब जी क्या हुआ, सब ठीक है? हाँ वो सर में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। डॉक्टर के पास चले? नहीं, थोड़ा आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। कोई सरदर्द की गोली देता हूँ? नहीं, दवाई खा ली है मैंने। तुम रो क्यों रही हो? वो दर्द की वजह से हो रहा है, मैं थोड़ी देर आराम कर लूं। क्या करें? हाँ तुम रेस्ट करो, मैं खाना वगैरह उनका देखूँ, ठीक है? रेस्ट करो। घर ढूंढने में प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मेन रोड पर था घर। अस्सलाम वालेकुम। अरे इरसा आओ आओ, माय वाइफ इरसा। अस्सलाम वालेकुम जी। आओ, खड़े क्यों हो तुम लोग? चलो आओ अंदर आओ।
आज से 20 साल पहले अगर शमसा ने ये बात मुझसे की होती तो ना जाने क्या करता मैं, जान से मार देता दोनों को। आओ, कम खाया तुमने यार। बस वो अंकल, कोशिश करता हूँ कि कम ही खाऊं। डाइट या तकल्लुफ? नहीं, बस वेट एक्चुअली बहुत जल्दी गेन कर लेता हूँ। तो यार मेरा भी यही मसला है, सारी उम्र गुजर गई इसी सिलसिले में। बट ये बताओ कि खाना कैसा लगा तुम्हें? बहुत ही अच्छा, बड़ा ही जबरदस्त खाना था। किसने बनाया? तुम्हारी होने वाली सास ने। अच्छा, आई विश वो भी हमारे साथ होते ही खाना खाते हैं। you know? बड़ा दिल था उसका, इसीलिए सुबह से खाना भी बनाया, इतनी तैयारी की, लेकिन बस अचानक ही तबीयत खराब हो गई उसकी। लेकिन दवाई खा के लेटी है, इंशाल्लाह शी विल बी फाइन। इंशाल्लाह जी, प्लीज आप उन्हें मेरे घर लेकर जरूर आइएगा। हाँ हाँ, श्योर, क्यों नहीं, क्यों नहीं। मुझे इजाजत है अंकल? कहाँ जा रहे हो यार, बैठो, थोड़ी गपशप मारते हैं। अंकल, आई रियली विश, लेकिन मुझे एयरपोर्ट जाना था, एक हमारा फॉरेन डेलीगेशन आ रहा था, सो आई हैड टू रिसीव देम, यू नो, जॉब रिस्पांसिबिलिटीज। तो बता देते, हम किसी और दिन लंच कर लेते। एक्चुअली क्या है कि आयजल ने मुझे आज का कहा, और आयजल को मैं इनकार नहीं कर सकता। ये है ऐसी, इसे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। तो अंकल, मैं कब वेट करूँ आप लोगों का? आप कब आएंगे मेरी तरफ? मैं कॉल करता हूँ तुम्हें, बिल्कुल प्लान कर लेते हैं। जी ठीक, आई बैक लीव यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलो खैरियत से जाओ। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। ओके ओके, जीत रहे बेटा, अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। मैं आपसे आप करूँ? हाँ हाँ, जाओ जाओ जाओ। क्या हुआ बिटिया, कितनी जल्दी बड़ी हो जाती। मुझे याद है जब आयजल को पहली दफा स्कूल छोड़ने जा रहा था, ऐसा लगता है स्कूल का पहला दिन ही लड़कियों का घर में आखिरी दिन होता। बस बेटा, एक ना एक दिन तो रुखसत होना ही है उसे। ठीक कह रही हैं आप, टाइम फ्लाइज। ऑलराइट, सी यू। अब जाओ भाई। इस दिल का क्या करूं जब मुझे जाने नहीं दे रहे? जाओगे सब बारात लाओगे ना? अभी ना ले जाऊं तुम्हें? तुम कहो तो अभी शादी कर लेते, बुलवाऊं मौलवी को। ऐसे थोड़ी करूंगी मैं शादी। फिर बहुत ग्रैंड वेडिंग होगी, और वैसे भी पापा पहले तुम्हारे फादर से बात कर लें, फिर हाँ करेंगे। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, लेकर तो मैं तुम्हें जरूर जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, देखते हैं, जाओ। कैसी तबीयत है आप? दानियाल चला गया। दानियाल कौन? वही जो आयजल के रिश्ते के लिए आया था। दानिश नाम है उसका। हाँ, दानिश।
न जाने मुझे ऐसा क्यों लगा कि उसने अपना नाम बहुत तारीफ कर रहा था तुम्हारी, खास तौर से तुम्हारे खाने की, बहुत अच्छा लगा उसे। अच्छा बता दो ना, आप कैसी तबीयत है तुम्हारी? बेहतर है। और कैसा लगा तुम्हें? कौन? दानिश। क्या बात है इरशा? कोई बात नहीं है। पता नहीं, मुझे लग रहा है जैसे तुम कुछ छुपा रही हो। मैं क्यों छुपाऊंगी आपसे कुछ? ये भी मेरा दिल घबरा रहा है यहाँ पर, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाऊंगी। हाँ मैं भी चेंज कर लूँ जरा, फ्रेश हूँ। हेलो, क्या हुआ इरशा, तुम रो क्यों रही हो? मानो उसने धोखा दिया है मुझे, बहुत बड़ा धोखा। आइजल के लिए रिश्ता लेकर आया है वो, और मुझे ऐसे देख रहा था अजनबियों की तरह, जैसे जानता ही नहीं है। ऐसा कैसे कर सकता है वो? इरशा तुम क्या कह रही हो, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरा शक बिल्कुल सही था, वो दानियाल ही था जो दानिश बनकर आया था। या तो मेरी जिंदगी में वो नाम बदल कर आया, या आइजल की जिंदगी में। दोनों मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, शादी करना चाहते हैं।